हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस एस फॉरम आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लोसिव सब्सेंस के बारे में इसके पहले मैं आपको बोलूँगा प्लीज फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन सेन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज द कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजर इन द माइन्स तो माइन्स में जो एक्सप्लोजर होता है उसमें सबसे वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है तो वहां पर होता है मिथेन और एयर की वजह से एक्सप्लोजन होता है माइंस में जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन माइंस तो जनरली क्या मिलता है माइंस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मेथेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और जब वेन कंबाइंड वेथ जब वो एयर से कंबाइन करते हैं तो वो एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं फाइव पॉइंट परसेंट ऑफ

ट्राईमिथिलीन ट्राई नाइट्रो एमिन जिसको आर टी एक्स भी बोलते हैं ये तीनों ही एक्सप्लोजिव होते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक्सप्लोजिव नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉम को क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं और ये केमिकल कंपाउंड होता है जो कि ब्रॉडली यूज होता है यूज एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल के रूप में यूज़ होते हैं फंजी साइड्स के रूप में होते हैं हर्बी साइड्स के रूप में होता है और इंसेक्टिसाइड्स के रूप में होता है इसको और कहाँ पर यूज किया जाता है टीयर गैसेस के रूप में इट वॉज मैन्युफैक्चर फॉर यूज एज अ पॉइजन गैस इन वर्ल्ड वॉर वन तो पॉइजन गैस के रूप में भी यूज होता है ये अदर ऑप्शन जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव है जैसे कि आर डी एक्स ट्राई नाइट्रोग्लिसन ट्राईनाइट्रोतोलोइन ये तीनों ही एक्सप्लोजिव होते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं जब द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव इनमें से कौन सा जो है वो एक्सप्लोजिव नहीं है तो वो हमने अभी जस्ट देखा ट्राई नाइट्रोक्लोरोम ये जो है वो एक्सप्लोजिव नहीं है बाकी तीनों ही है नोबल ऑयल इज़ द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव नोबल ऑयल किस एक्सप्लोजिव को कहते हैं तो वो होता है ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो को नोबल ऑयल भी कहते हैं और ये एक एक्सप्लोजिव फ्लूइड होता है और केमिकली इट इज एन ऑर्गेनिक नाइट्राइट नाइट्रेट कंपाउंड तो केमिकली ये ऑर्गेनिक नाइट्रिक कंपाउंड होता है ऑप्शन नंबर ए होगा सही टी एन जी ट्राई नाइट्रोगसरिन जो होता है जिसको नोबल ऑयल भी कहते हैं आर डी एक्स वॉज इन्वेंटेड बाई तो आर डी एक्स को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था तो वो इन्वेंट किया गया था हेनिंग्स के द्वारा आर डी एक्स को जॉर्ज फ्रेडरिक हैिंग के द्वारा इन्वेंट किया गया था जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे आर डी एक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव रिसर्च डेवलप डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव आरडीएक्स का होता है फुल फॉर्म होता है इसको साइक्लोनाइट भी कहते हैं दिस पावरफुल एक्सप्लोसिव वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग्स ऑफ जर्मनी एंड पेटेंटेड इन 1898 और इसको पेटेंट किया गया था 1898 में और लेकिन वर्ल्ड वॉर टू तक इसको यूज नहीं किया गया था यूज नहीं किया गया था वर्ल्ड वॉर टू में वन मोस्ट ऑफ द वेरिंग पावर्स इंट्रोड्यूस एट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है डीडी टी इज एन एंटी बैक्टेरियल कंपाउंड टी एन टीजन इनसे हमें बताना है इनमें से कौन सा कम्पाउंड ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है आरडीएस हो होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोस डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव जो होते हैं वो होते हैं आपका एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है ये केमिकल फॉर्मूलाइस का होता है सी थ्री

मिथाइल ट्राई मिथिलिन ट्राई नाइट्रो एमिन होते हैं और ये यह है टी फोर होते हैं इट इज मोर पावरफुल एक्सप्लोजिव दे टी एंड टी ट्राई नाइट्रो टोलोइन से ज़्यादा ये पावरफुल होते हैं द वेलिसिटी ऑफ दिस एक्सप्लोजिव इज एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी मीटर पर सेकेंड ड्यू टू इट्स हाई एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी इट वॉज वाइडली यूज इन सेकंड वर्ल्ड वॉर तो इसको वाइडली यूज किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आरडी एक्स जो होता है वो कलरलेस सॉलिड सब्सटेंस होता है और मेनली एमिन so, को जब नाइट्रिक एसिड के साथ फ्यूमिंग किया जाता है तो इसका फॉर्मेशन ऑफ दर डी एस साइनोहाइड्रीन डेक्स्ट्रॉन साइक्लोहेक्सिन और साइक्लोनाइट तो साइक्लोनाइट इसका नेम होता है किसका आर डी एक्स एट नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा जो है एक्सप्लोसिव के रूप में यूज किया जाता है फॉस्फोरसोराइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड ग्रेफाइड नाइट्रोग्लिसरीन तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो होता है एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो हैवी होता है कलरलेस होता है और ऑयल लिक्विड एक्सप्लोसिव होता है इसको कहा जाता है ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट और वन टू थ्री ट्राई नाइट्रो ट्राइन नाइट्रो ऑक्सी प्रोपेन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव डज नॉट कंटेन ट्राई ग्लिसरीन एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिटुएंट तो इनमें से कौन सा एक्सप्लोसिव जो है वो कंटेन नहीं करता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिटुएंट तो वो है एमाटोल एमाटोल जो है वो कंटेन नहीं कॉडाइट प्लास्टिक जिलेटिन एंड डायनामाइट तीनों ही कंटेन करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिटुएंट वेल हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट इज एमाटोल जबकि सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोसिव होता है वो क्या होता है एमाटोल होता है और ये कंपोज होता है अमोनियम नाइट्रिक और ट्राई नाइट्रोटोलोइन से

नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो क्या होता हैवी कलरलेस ऑयल ली एक्सप्लोसिव लगता यानी यहाँ पर से ट्राई नाइट्रो बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मेशन करते हैं और इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट और नोवेल ऑयल और इसको क्या क्या कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं ग्लिसरिल ट्राई नाइट्रेट भी कहते हैं नोवेल ऑयल भी कहते हैं ठीक है इट इज मेनली यूज एज एन एक्सप्लोसिव ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ग्लिसरॉल केमिकल यूज इन मैन्युफेक्चर ऑफ में किसका यूज करोड का यूज किया गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं द फ्यूल फ्यूल रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे और पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्यूल इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल फ्यूल है कोल कोक टार और पेट्रोलियम तो इनमें से जो पेट्रोलियम है ना वो नेचुरल फ्यूल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू नेचुरल फ्यूल दे आर मेड फ्रॉम द फॉसिल्स बरिड अंदर विद इन द अर्थ अदर ऑप्शन कोल कोक एंड टार कैन बी अचीव बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड, वाइल कोल गैस कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली तो इनमें से जो पेट्रोलियम है वही नेचुरल है क्योंकि जो कोक है और टार है उसको अचीव किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और ऊट के तो कोल और ऊट को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उनका होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है टार और कोक और कोल गैस को आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है इसलिए नेचुरली जो होगा वो पेट्रोलियम होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्टो द फॉलोइंग फ्यूल्स इज द क्लीनेस्ट फ्यूल तो क्लीनेस्ट तो ऑबिश नेचुरल गैस होगा क्योंकि ये सब ग्रीन हाउस गैस

कोल ऑयल कोल नेचुरल गैस ये प्राइमरी क्या होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल ओवर द कोर्स ऑफ मैन तो फॉसल फूल्स क्या जो भी फॉसल जो भी नीचे दब गए हैं और उनसे उनका फॉर्मेशन हुआ है जो भी फ्यूल्स बने हैं इससे उनका फॉर्मेशन हुआ है ये द फॉसिल फ्यूल्स आर फिनाइट सोर्सेज दे कैन ऑल्सो ए हार्म द और फॉसिल फूल्स जो होते हैं वो फिनाइट रिसोर्स होते हैं और हमारे इन्वायमेंट को भी हार्म करते हैं नेचुरल गैस इनमें सबसे कम आ, मतलब हार्मफुल होते ठीक है विचन ऑफ द फॉलिंग हैज द हाइस्ट फॉस्टल फ्यूल में सबसे कम आ, ये मतलब वन ऑफ द क्लीनेस्ट गैस होता है विचन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइस्ट फ्यूल वैल्यू इनमें से कौन सा जो है कि इसमें हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू होते हैं तो वो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो फ्यूल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है द हीटिंग वैल्यू ऑफ़ फ्यूल इज अमाउंट ऑफ हीट दैट इज अफ्टेन फ्रॉम वन ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली इन एयर तो हीटिंग वैल्यू किसी भी चीज़ की कैसे पता चले जब इसके एक ग्राम को जब एक ग्राम कोई भी चीज़ अच्छे से कोई एक ग्राम अगर कोई भी फ्यूल है वो अच्छे से बर्न हो जाए एयर में तो वो अच्छा फ्यूल माना जाता है ठीक है और हाइड्रोजन हैज़ द हाइएस्ट हीटिंग वैल्यू एमंग ऑल फ्यूल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में बर्नर प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर

सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन टू द इन्मेंट हाई एस्ट कंटेंट इज अब्जेड इन द इंडियन कोल तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा हाई एस जो कंटेंट करते हैं इंडियन कोल क्योंकि इंडियन कोल मोस्टली या तो बिटोमिनस है और लेगनाइट है मेनली बिटोमिनस इंडियन कोयल होता है एंथ्रासाइट जो एस का एस फॉर्मेशन ना एंथ्रासाइट में बहुत कम होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया में एंथ्रा जो कोल होता है वो बहुत कम पाया जाता है ये सिर्फ कश्मीर के रीजन में पाया जाता है तो कोल एस जो होता है वो क्या होता है वेस्ट होते हैं जो प्रोडक्ट्स लेफ्ट आफ्टर जो होता है आफ्टर द कम्बशन और ये क्या इंक्लूड करता है वो इंक्लूड करता है फ्लाई एज जो कि फाइन पाउडर पार्टिकल्स होते हैं देट आर कैरीड अप द स्मोक स्टैक एंड कैप्चर बाय पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस एज वेल एज कोर्सल मेटेल दैट फॉल ऑन द बॉटम ऑफ द फर्नेस Most coal ash come from the coal fired electric power plant. Depending on where coal is mined, coal as typically contain heavy metals including arsenic, lead, mercury, cadmium, chromium, selenium, as well as other metals and elements. If eaten, drunk, or inhaled, this toxin can cause cancer. और जब इनको जो भी वो पर्टिकुलर मेटर रिलीज करते हैं वो कंटेन करता है आर्सेनिक लेड मर्करी कैडमियम क्रोमियम और सिलेडियम और जैसे हम अगर इसको इनहेल करते हैं तो ये कॉज करता है क्या चीज़ बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि अस्थमा हो गया कैंसर हो गया ये सारे हेल्थ हजार क्रिएट होते हैं किससे जब हम ये ये जो एलिमेंट्स हमारे अंदर जाते हैं ठीक है हैवी मेटल्स डिपेंडिंग ऑन सोर्स कोल द इमिशन फ्रॉम द बर्न कोल ऑफ प्लांट्स कंटेन पॉल्यूटेंट तो कोई भी चीज़ का पॉल्यूटेंट्स कैसे पता चले वो उनके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका सोर्स क्या है वो कहाँ से उनका फॉर्मेशन होता है और इस वजह से उनका मतलब उनमें कौन कौन सा कंटेंट है किस किस एलिमेंट्स का कंटेंट कैसा है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलर मैटर ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं डिपेंड करते हैं उनका सोर्स कहाँ पर है ठीक है ऑल एज कंटेंट ऑफ कोल प्रोड्यूस इन इंडिया जनरली ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी फाइव परसेंट है वेर एज कंटेंट ऑफ इंपोर्टेड कोल वेर इज फ्रॉम टीन टू ट्वेंटी परसेंट जो भी इम्पोर्टेड कल होते हैं तो वो तो अच्छे कॉल होते हैं एंट्रेसाइट मिलने होते हैं तो उनमें जो एज का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है जबकि इंडियन कॉल में इसका कंटेंट ट्वेंटी फाइव से फोर्टी फाइव परसेंट तक होता है सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं वाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट तो क्यों है ऐसा दे मे रिलीज लिटिल क्वान्टिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन टू इन्वायरमेंट दे द कॉपर स्लैक कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटेरियल इन टू द इन्वायमेंट दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट। तो क्या सही है इसमें ऑप्शन नंबर टू और थ्री जो है वो सही है कि कॉपर स्लैक क्या कॉज कर सकता लीचिंग ऑफ समी हैवी मटेरियल्स इन टू मेटल्स इन टू द दूसरा दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटन ऑप्शन नंबर टू और थ्री दोनों ही सही है दे में रिलीज लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये सही नहीं है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट सेपरेट एलिमेंटल कॉपर फ्रॉम कॉपर कंसेंट्रेट्स तो कॉपर स्मेल्टिंग क्या करता है स्मेल्टिंग प्लांट का काम ही होता है कि जो कॉपर होता है उसको कॉपर ओर से अलग करते हैं ठीक है थीके? जो भी कॉपर हम और यूज करते हैं उससे कॉपर को अलग करने के लिए हम स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं और इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो रिलीज होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड पर्टिकुलर मैटर एंड द मेन पोर्सन ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज और जो जो भी सॉलिड वेस्ट आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और वो क्या कंटेन करते? करते हैं वो कंटेन करते हैं आसनिक लीड कैडमियम निकल एटीसी दिस कॉपर सिलेक्ट कैन कॉज लीचिंग ऑफ सब टू द और इस वजह से जो कॉपर स्लैग क्या करता है वो कंटेन करता है कॉज करता है uh, first, है लीचिंग ऑफ सम मेटल्स स्टेटमेंट फर्स्ट जो वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो कॉपर प्लांट होता है वो रिलीज कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर पॉल्यूटेंट्स को बट लिथल क्वान्टिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज नहीं करता लिथल क्वांटिटीज नहीं होता सेवेंथ नंबर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम मैक्सिमम और केमिकल पॉल्यूशन तो इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंडोर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं केमिकल पॉल्यूशन तो वो है बर्निंग कोल, बर्निंग कोल जो है मैक्सिमम एंडोर केमिकल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एट नंबर क्वेश्चन देखते कोक इज वन ऑफ द मटेरियल ऑफ द चार्ज एडेड टू द एडेड टू ब्लेस्ट फर्नेस ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील आयरन इट्स फंक्शन इज टू इसका क्या फंक्शन होता है पहला है एक्ट एज रिड्यूसिंग एज

ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम तो नहीं ही करेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट कोक इज एज ए टू ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन तो कोक को क्यों एडिट किया तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए इट फंक्शन एज अ फ्यूल टू सप्लाई हीट एज अ फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जाता है विस इट सप्लाइंग द हीट इट ऑल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बाई प्रोवाइडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड टू रिड्यूस द आयरन और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करते हैं क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोवाइड करता है और इससे आयरन और जो होता है वो रिड्यूस द आयरन और ठीक है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते विथ रेफरेंस टू द ऑयल द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर इट यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इन टू द इनवाइ कंसिडर विद ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव स्टेटमेंट एब आर करेक्ट इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है तो फर्निस ऑयल जो होते हैं वो प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज का सही है सम इंडस्ट्रीज यूज टू जनरेट पावर इसको पावर पावर को जनरेट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है इट यूज कॉजेज सल्फर इमिशन इन टू द इन्वायरमेंट तो तीनों ही ऑप्शन अपने अपनी जगह पर सही है फर्निस ऑयल को फ्यूल ऑयल भी कहते हैं और ये कंसिस्ट करता है मेरे रेसिड्यूस ऑफ क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल का जब डिस्टिलेशन होता है उनका जो रेसिड्यूस होता है वो कंटेन करता है फ्यूल ऑयल को फर्निस ऑयल

फ्यूल ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल वो मेजर करते हैं एंटीनोक क्वालिटी को एंटी एंटीनोक क्वालिटी को मेजर किया जाता है ऑक्टेन नंबर के द्वारा तो के द्वारा वेन इट इज यूज इन स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबेशन इंजन एज कंपेयर टू द एंटी एंटीनोक क्वालिटी ऑफ द आइसो ऑक्टेन द हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल मीन्स द बेटर नॉकिंग कैपेसिटी फॉर दैट फ्यूल द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस बाई तो क्वालिटी एक्सप्रेस किया जाता है ऑक्टेन नंबर के द्वारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है नंबर इज एज क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग तो वो होता है डीजल के लिए डीजल के लिए यूज करते हैं सीटिन नंबर ऑक्टेन नंबर यूज किया जाता है टू मेजर द इग्निशन स्टेबिलिटी ऑफ किसका गैसोलीन दैट मींस पेट्रोल का सीटिन नंबर का यूज किया जाता है पैरामीटर uh, टू मतलब टू चेक द पैरामीटर ऑफ डीजल

तो डीजल इंजन में क्या यूज किया था वेपर ऑफ डीजल एंड एयर को यूज किया जाता है डीजल इंजन में डीजल इंजन जो होते हैं वो इंटरनल कम्बेशन इंजन होते हैं जिसमें इग्निशन इन फ्यूल इज जनरेटेड बाई तो इग्निशन कैसे जनरेट किया जाता है यूजिंग हीट कंप्रेसिंग एयर इन द क्लोज प्लेस देर इज नो कार्ब्यटर इन द डीजल इंजन तो डीजल इंजन में कोई कार्ब्यटर नहीं होता है कंबेशन के लिए जैसा कि पेट्रोल इंजन में होता है डीजल इंजन में द एयर इन साइडर इन साइड सिलेंडर इज कम्प्रेस टू सच अ लेवल सो दैट टेम्परेचर ऑफ एयर रिचेज तो इसमें क्या होता है कि जो एयर इन साइड सिलेंडर होते है, उसको हैं उसको कंपरेस किया जाता है टू सच चलेबल सो दैट टेम्परेचर ऑफ एयर रिचेज एट्टी डिग्री फॉर इट हाइट दिस टेम्परेचर वर्क एज कंबन इन डीजल इंजन कुकिंग गैस इज मेनली तो कुकिंग गैस मेनली क्या होता है वो होता है मिथेन मिथेन जो होता है वो मेनली कुकिंग गैस होता है और ये चीफ कंपोनेंट होता है किसका बायोगैस का और गोबर गैस का जिसका यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं जब द फॉलोइंग गैस इज रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज एज अ फ्यूल गैस तो वो होते हैं मिथेन मिथेन जो होता है उसको यूज किया जाता है एज ए बायोगैस बायोगैस प्लांट में एज ए फ्यूल गैस के रूप में और ये मेनली कंटेन करते हैं नेचुरल गैस फॉसल फ्यूल एंड कैन बी यूज टू रिप्लेस नेचुरल गैस इन मेनी अपलीकेशन इंक्लूडिंग कुकिंग हीटिंग, स्टीम प्रोडक्शन तो मीथिन का यूज किया जा सकता है कुकिंग हीटिंग और स्टीम प्रोडक्शन में तो आज के लिए इतना ही रहने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन से थैंक यू सो मच